चीजें सुनने में छोटी लगती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने जब सबके साथ की बात की, सबके विकास की बात की, तो गांव में जितनी योजनाएं जा रही जिनका लाभ मिल रहे उसमें ना ये पूछ रहे कि तू कौन सी बिरादरी का है, ना ये पूछे तू कौन से धर्म का है, ना ये पूछे तू कौन सी पार्टी का है, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लोधी हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, शाक्य हो, कोई भी जाति के लोग हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। देखिए संदेश ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज बाइक रैली का पूरा वो प्रोग्राम रखा गया है, और जिस तरह से यहाँ हो रहा है इसी तरह से 80 लोकसभा चुनाव वो हो रहा है लोकसभा में। इसका संदेश यही है कि केवल हम लोग संगठित रहें, और जो सपा बसपा के चक्कर में घूम रहे हैं उनको ये दिखना चाहिए कि देश किस ओर जा रहा है। देखिए हमने कहा था मैक्सिमम सबके पास हेलमेट है, जिनके पास नहीं है आगे से वो रखेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा। अगर हेलमेट होता तो आज एक कार्यकर्ता का गंभीर नहीं होता, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये गलती तो हुई है कि हेलमेट नहीं था, हेलमेट होना चाहिए, और आगे से कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हेलमेट मस्ट होगा। नहीं, कोई खेमा नहीं है, बीजेपी एक जगह है, जैसे आप खेमा मान रहे हैं वो पर्सनल कोई व्यक्तिगत आदमी अपना अलग होगा, बाकी पार्टी एक जगह है। नहीं देखिए SC ST वाले पे तो पता नहीं क्यों इसको गलत रूप में ले गए, ये तो उनके लिए है जो अपराध करेगा, और अपराध को सजा मिलनी चाहिए, इतना है। और राम मंदिर की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो बने हो। ये मान के चलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी बनना है। देखिए पार्टी आधा नहीं बोल रहा, मैं अपनी पर्सनल राय बोल रहा हूँ, मंदिर बहुत जल्दी बनने वाला है। सर कब बनने वाला है? ये तो बहुत जल्दी बनने वाला है, जो आप कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि 19 से पहले ही बन जाए, जो मुझे लगता है, मैं मेरी पर्सनल व्यू है।